राजस्थान में सियासत गरमाई हुई है। दिल्ली रोड स्थित तो होटल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। सीएम गहलोत ने शक्ति प्रदर्शन किया। बैठक में पायलट और उनके समर्थक विधायक हालांकि नहीं पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये होटल की, होटल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। कांग्रेस विधायक दल की बैठक कुकस के फेयरमोंट होटल में आयोजित हुई। हमारे साथ योगेंद्र पंचोली जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। योगेंद्र, अब क्या अपडेट निकल कर आ रही है इस सियासी गहमागहमी के बीच, क्योंकि बैठक जो है उसकी खबर थी, अब बैठक क्या हो चुकी है, तस्वीरें भी सामने आ रही हैं बैठक की, योगेंद्र? देखिए, आखिरकार कांग्रेस विधायक दल की जो बैठक है वो 11:10 से शुरू हो चुकी है। उसके बाद लगातार बैठक का दौर जारी है। फिलहाल बात सामने आ रही है जो विधायक है उनके खिलाफ भी पार्टी कार्रवाई कर सकती है। खासकर जो विधायक दल की बैठक है उसमें उन तमाम विधायकों को बुलाया गया था, पहले समय 10 बजे तय किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो दूसरा धड़ा है बैठक में शामिल होने के लिए नहीं पहुंचे। अलग अलग लोगों के बयान भी सामने आए, उसके बावजूद भी फिलहाल की जो स्थिति है, स्थिति यह है कि यहाँ बड़ा जो पार्टी के जो वरिष्ठ जो नेता हैं और साथ ही जो वरिष्ठ विधायक है, यहाँ विधायक दल की जो बैठक है उसमें ये भी चर्चा चल रही है कि जो लोग नहीं आए हैं, जो धड़ा अलग बटा हुआ है, जो लोग नहीं आए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि अंतिम जो चीजें रही है पूरा इंतजार किया गया। कल सीएमआर में जो बैठक हुई थी उसमें भी इंतजार किया गया और आज के भी इंतजार किया गया, लेकिन अभी फिलहाल जो स्थितियां हैं उसको लेकर कुछ अब प्रदेश की राजनीति के जो खासकर कांग्रेस के जो आज की रसा कसी है वो फिलहाल किस मोड़ पर जाकर रुकेगी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन फिलहाल जो बाड़ेबंदी में यहाँ विधायक और यहीं पर विधायक दल की जो बैठक चल रही है, बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय हो सकता है, लेकिन ये माना जा सकता है अब जल्द ही ये जो पूरी जो पत्रता लिखी गई है उसका प्रक्षेप भी होने वाला है, जल्द ही इसको लेकर माना जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ सूत्र ये भी बताते हैं कि जो एनसीआर में रुके हुए हैं डिप्टी सीएम सचिन पायलट और अपने जो अपनी गुप्त जो विधायक है उनके साथ वहां पर कुछ जो बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके संपर्क की बात सामने आ रही है कि उनसे भी उनका संपर्क है, लेकिन फिलहाल यहां पर दूसरी तरफ देखा जाए तो कितने विधायक उनके साथ हैं ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। ना ही यहां पर भले ही मुख्यमंत्री गहलोत की ओर से जब सीएमआर से रवाना हुए थे विधायक कांग्रेस के अलावा बीजेपी के दो विधायक थे और कुछ दो विधायक थे उसमें कांग्रेस पार्टी के थे और एक जो की आरएलडी के हैं, उनके अलावा 109 विधायकों को साथ लेने के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पिछली का निशान भी दिखाया था, लेकिन फिलहाल क्या स्थिति सहज है, लेकिन ये कुछ यहाँ जो उसके तुरंत बाद बाड़ेबंदी अगर हुई है तो कुछ ना कुछ ये माना जा सकता है कि दाल में कुछ ना कुछ काला है। अगर ऐसा होता तो सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाती, लेकिन फिलहाल उन विधायकों की बाड़ेबंदी यहाँ पर की जाती है और बाड़ेबंदी कब तक चलेगी ये कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल विधायक दल की बैठक चल रही है और बैठक के बाद क्या कुछ निर्णय मुख्यमंत्री और पार्टी के आला कमान से भी इस बारे में बात की जाएगी कि क्या कुछ निर्णय उन पर किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है पार्टी में फिलहाल जो स्थिति है उसको देखते हुए, लेकिन फिलहाल ये माना जा रहा है कि बैठक के बाद ही इस पर कुछ कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेंद्र आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो होटल में बाड़ेबंदी में इस वक्त विधायक हैं, कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद अभी तक कुछ स्पष्ट तौर पर हालांकि सामने नहीं आ पाया है। जयपुर के दिल्ली रोड स्थित होटल फेयरमोंट में कांग्रेसी विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है। सियासी घटनाक्रम के बीच पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद है, पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया है। पुलिस कमिश्नरेट ERTQRT के जवानों सहित सादा वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी तैनात हैं। राजस्थान में सियासी घमासान जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खेमे के सभी विधायकों की जयपुर में होटल फेयरमाउंट में बाड़ेबंदी की हुई है। साथ ही पायलट खेमे के विधायकों की होटल ITC ग्रैंड मानेसर में बाड़ेबंदी की गई है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं दोनों तस्वीरें, जयपुर और मानेसर की, जहां पर जयपुर में गहलोत समर्थित विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है, वहीं पायलट समर्थित विधायक जो है वो मानेसर में बाड़ेबंदी में है।
राजस्थान के सियासी घमासान के बीच दो अहम तस्वीरें हैं ये, जयपुर और मानेसर की। राजधानी जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थन में जो विधायक हैं उनके साथ हैं वो, उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं मानेसर में जो पायलट समर्थित विधायक हैं उनकी तस्वीरें देखने को मिली। 18 विधायकों का दावा किया जा रहा है पायलट गुट की तरफ से।